morning students. Today we will start exercise 4.4 of chapter 4th simple equations. So इससे previous video में हमने exercise 4.4 के question first के e part तक discuss कर लिए थे. Now in this video we will discuss the remaining parts. So question first क्या था हमारा? Set up equations and solve them to find the unknown numbers in the following cases. So हमारे पास कुछ cases given थे और उसमें हम equations को set करके उनको solve कर रहे थे और अननोन नंबर्स की वैल्यू को फाइंड कर रहे थे. नाउ एफ केस क्या है हमारा? इफ वी नो थिंग्स ऑफ अ नंबर इफ शी एड्स 19 टू इट्स एंड डिवाइड द सम बाय 5 शी विल गेट ए. इफ नल एक नंबर के बारे में सोचती है और उस नंबर को वो 19 से ऐड करती है और दोनों के जो सम होता है उसको डिवाइड करती है किससे? 5 से. तो शी विल गेट 8. तो इसके इक्वल आ जाता है 8 के. Now we have to find that number कि विनल ने कौन से नंबर के बारे में सोचा. Now let us assume the required number कि वो required number क्या है? X है. Now वो number X है तो जो statement given है इसको हम equation form में कैसे लिखेंगे? हमने माना वो number X है. कि विनल क्या करती है? उस number में 19 को add करती है. तो X plus 19 और जो उन दोनों का sum होता है उसको divide कर देती है किससे? 5 से. So she will get 8. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई x plus 19 divided 5 equals to 8. इसको सॉल्व करेंगे, हमें अननोन नंबर x की वैल्यू चाहिए. तो यहाँ से प्लस 19 और डिवाइड से 5 हटाएगा. सबसे पहले डिवाइड से 5 हटाते हैं तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 5 से. तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हमने डिवाइड से मल्टीप्लाई करा. किससे मल्टीप्लाई करा? 5 से. तो 5 से 5 गया. यहाँ पर क्या होता है? x plus 19 और 8 into 5 कितना होता है? 40. Now x की वैल्यू चाहिए तो 40 में से 19 को माइनस करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 21. सो दैट मींस अभी हमने कौन सा नंबर सोचा था? 21. नाउ जी केस क्या है हमारा? अनवर थिंग्स नंबर इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5 डिवाइडेड 2 ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज 23. एक नंबर के बारे में सोचता है एंड इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5 डिवाइडेड 2 ऑफ द नंबर उस नंबर का कितना 5 डिवाइडेड 2 में से 7 को सबट्रैक्ट करता है तो उसको रिजल्ट कितना मिलता है? 23. सो हमने माना कि वो नंबर कोई x है तो 5 डिवाइडेड 2 ऑफ द नंबर कितना हो गया? देखो नंबर हमने माना x, उसका 5 डिवाइडेड 2 कितना हुआ? 5 डिवाइडेड 2 को इनटू कर देंगे x से तो 5 डिवाइडेड 2 x. अब जो स्टेटमेंट हमें गिवन है द गिवन अबव स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द इक्वेशन फॉर्म एज क्या है कि वो एक नंबर के बारे में सोचो जो कि कितना है 5 डिवाइडेड 2 x उसमें से वो 7 को माइनस करता है तो रिजल्ट कितना मिलता है? 23. नाउ ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई, इसको सॉल्व कर सकते हैं. हमने क्या करा? माइनस 7 को ट्रांसपोज करा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ. जब ये ट्रांसपोज होगा तो साइड चेंज करेगा, वहां जाकर तो इसका हो गया प्लस का. 23 प्लस 7 कितना हो गया? 30. देन 5 डिवाइडेड 2 x इक्वल्स टू 30. अब हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड से 2 हटाते हैं. सबसे पहले डिवाइड से 2 हटाने के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2 से. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो 2 से 2 कैंसिल. 5x 30 इंटू 2 कितना होता है? 60. देन x एज इट इज 60 के 60 को हमने डिवाइड करा किससे? 5 से. तो कितने टाइम्स गया? 12 टाइम्स. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12. सो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया? x equals to 12. Now let's come to the question number second. Solve the following. A है हमारे पास. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. So what is the lowest score? Teacher class में students को बोलती है कि जो highest marks obtained करे हैं उसी class के student ने वो कितने हैं? ट्वाइस है लोएस्ट मार्क्स के. लोएस्ट मार्क्स कितने हैं? ट्वाइस है प्लस 7 और हाई स्कोर कितना गया है? 87. सो हमें फाइंड आउट करना है कि लोएस्ट स्कोर कितना है. सो हमने माना कि लेट अस अज्यूम द लोएस्ट स्कोर बी एक्स कि लोएस्ट स्कोर कितना है? एक्स और हाई स्कोर कितना गया है? 87. तो जिसने हाई स्कोर ऑब्टेन कराया है वो कितना है? लोएस्ट का ट्वाइस है प्लस 7. तो क्या इक्वेशन बन गई? 2x प्लस 7. नाउ अबव स्टेटमेंट को अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2x plus 7 equals to 87. Highest marks obtained by the student in her class is twice.
एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. एक आइसोसेल्स ट्राइंगल में जो बेस एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है. वर्टेक्स एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री, और हमें क्या करना है, बेस एंगल्स फाइंड करने हैं. सो आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है. सो हमें दो बेस एंगल्स इक्वल दे दिए और एक वर्टेक्स एंगल गिवन दे रखा है, ठीक है. तो हमें बेस एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दिए, और हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री. तो हमने बेस एंगल को मान लिया बी. अब बेस एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल दे रखे, और आइसोसेल्स ट्राइंगल में दो एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो बी प्लस बी प्लस 40, ठीक है. दो एंगल्स इक्वल होते हैं प्लस 40, एक एंगल वर्टेक्स एंगल रखा जो कि 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हमारी इक्वेशन बन गई. नाउ बी प्लस बी कितना होता है, 2b प्लस 40 इक्वल्स टू 180. 40 को ट्रांसपोज करा, 180 में से 40 माइनस हुआ तो कितना आया, 140. तो एक 2b हमारा जैसे चल रहा है, हमें बी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, बेस एंगल्स की वैल्यू है. तो बी को एज इट इज 140 को डिवाइड करा 2 से, तो कितना आया, बी इक्वल्स टू 70. तो क्या आ गया, 70 आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. क्या हो गया, बेस एंगल कितना आ गया हमारे पास, 70. Together their runs fell two shots of a double century. So how many runs did each one score? Sachin and Rahul two boys in. Sachin scored करता है twice as many as run Rahul. जितना Rahul का score था उससे twice Sachin का score होता है, ठीक है. Now their runs fell two shots of a double century. ठीक है, double century लगने से पहले उनके जो दो shots होते हैं, दो run होते हैं, वो रह जाते हैं, ठीक है. दो रन से वो रह जाता है डबल सेंचुरी बनाते बनाते. सो हाउ मेनी रन डिड ईच वन स्कोर, तो दोनों ने कितने कितने स्कोर्स बनाए. सो लेट अस अज्यूम राहुल स्कोर भी एक्स, हमने राहुल का स्कोर माना कि एक्स है. देन सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी एज राहुल, तो राहुल जितना स्कोर करता है उसका ट्वाइस स्कोर कौन करता है, सचिन. तो सचिन का स्कोर क्या हो गया, 2x. टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉट्स ऑफ अ डबल सेंचुरी. डबल सेंचुरी लगने से पहले उनके दो रन, मतलब डबल सेंचुरी नहीं लग पाई दो रन के वजह से. सो राहुल का स्कोर प्लस सचिन का स्कोर, तो डबल सेंचुरी में से 200 में से माइनस करा कितना, 2. दो रन से रह गए डबल सेंचुरी बनाते बनाते. तो मीन्स उनके कितने रन बन पाए, 198 रन बन पाए, ठीक है. सो राहुल का स्कोर क्या था, x. सचिन का स्कोर क्या था, 2x, विच इज इक्वल्स टू 198. 198 कहाँ से आया, डबल सेंचुरी लगाते तो 200 पर कितने रन से रह गए, दो रन से रह गए. तो 200 में से 2 माइनस करा तो कितना आया, 198. ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे. x प्लस 2x कितना होता है, 3x इक्वल्स टू 198. नाउ हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम राहुल का स्कोर और सचिन का स्कोर पता लगा लेंगे. सो 3x इक्वल्स टू 198 में से 3 को हमने डिवाइड करा 198 से. सो 198 की डिवाइड हमने 3 को भेजा, तो 3 6 18, एंड अगेन 3 6 18, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 66. x की वैल्यू है हमारी 66. राहुल का स्कोर हमने कितना लाइक किया था, x, तो x की वैल्यू भी 66. तो दैट मींस राहुल ने कितना स्कोर किया, 66. और सचिन का स्कोर कैसे पता चलेगा, जो राहुल का स्कोर था उसका ट्वाइस था सचिन का स्कोर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 66 दैट इज 132. तो सचिन ने कितना रन बनाए, 132. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सेकंड खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे.